नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले लगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में G7 और G20 देशों में सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से खाद और ऊर्जा आपूर्ति चेन प्रभावित हुई है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर पर आधारित राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है।